नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने मौजूद हूं। आज हम सिवान सदर अस्पताल में हैं और यहां पे एक इन्हें अभी तो ये पुलिस कस्टडी में हैं, लेकिन ये मुखिया प्रत्याशी हैं और इनको परसों जो चुनाव चल रहा था हसनपुरा प्रखंड के प्रखंड में, जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, वहाँ पे पुलिस की बर्बर लाठी का के शिकार हुए हैं अनूप मिश्रा। अनूप मिश्रा की हालत आपने देखा कि वो गंभीर हालात में है। हालांकि कई लोगों ने हम अनूप मिश्रा से ही बातचीत करेंगे कि अनूप जी क्या हुआ था कल, क्या परसों जो चुनाव के वक्त में क्या हुआ था। परसों हम अपने गांव में थे, महुअल में, पकड़ी पंचायत के निवर्तमान हम मुखिया हैं। वहाँ हमको और प्रत्याशी के लोगों, समर्थकों या कई लोगों का फ़ोन आया कि वहाँ शेखपुरवा 173-174 नंबर बूथ शेखपुरवा था, वहाँ पे बूथ कैप्चरिंग हो रहा है नंद्रापाली के प्रभुनाथ यादव के द्वारा 12 बजे के लगभग में। ये 12:15 बजे के आसपास की घटना थी। हम भी वहाँ पहुँचे मोटरसाइकिल से अकेले, और लोग जहाँ तहाँ से लोग आए थे। वहाँ पे यही बात हो रही थी कि इसको कैंसिल करके पुनर्मतदान कराने की मांग हो रही थी, तो हमसे भी लोग कहे कि आप भी बात करिए, 20 लोगों की सिग्नेचर की ज़रूरत है, 20 प्रत्याशी मैदान में हैं। हम कहे ठीक है, सारे प्रत्याशियों का हम भी साथ में हैं कि गलत हुआ है। तो पदाधिकारी वहाँ जो थे उनसे बात किए तो कह रहा है कि कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत हुआ है। तो हम कह रहे आप कह रहे हैं थोड़ा बहुत हुआ है और आपके सामने हुआ है, कैसी छोटी बात आप कह रहे हैं पदाधिकारी के सामने थोड़ा बहुत गलत हुआ तो बहुत बड़ी बात है। तो हम कहे कि हमको प्रेजाइडिंग अफसर से कि वो दिया जाए, इसका प्रोफार्मा आता है बूथ को कंप्लेन करने के लिए, तो वो कहे कि दे रहे हैं। फिर प्रशासन के भी लोग, थाना प्रभारी भी वहाँ थे, तो अब ऐसा ये लोग माहौल क्रिएट कर दिए कि मतलब वहाँ से लोग हटने भागने लगे, मजबूर कर दिए। हमको भी, हम भी बात किए तो हमको कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इस समय मीडिया के भी लोग आ गए, तो वो कहने लगे कि वो जिले से जो पदाधिकारी अधिकारी आएंगे उसके बाद ही जो है कुछ होना होगा, तो होगा, मतदान चलता रहेगा। सारे लोग हट गए, बाकी वहाँ कैसे क्या चल रहा था, लेकिन वहाँ पे जो भी अधिकारी पदाधिकारी थे और गतिविधि वैसा ही लग रहा था कि जैसे इन लोगों का सारा सेटिंग है और एक पक्ष में ये करवाई जाएगा और हो रहा है, इस तरह से लग रहा था, माहौल ऐसा था। और बाकी वहाँ तो वोटर भी डर डर के अब जा रहे थे अपना, वहाँ किस तरह क्या हो रहा था तो देखने वाला भी कोई नहीं था। हर हाल हम BDO साहब को 2-2 बार फ़ोन किए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया गया कि ठीक है। होगा लग रहा कि वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं या होंगे। CO साहब का भी रुख अच्छा नहीं लगा, थाना प्रभारी मौजूद थे, कहे कि आप लोग वेट करिए वेट करिए। उनका भी बात वही, आएंगे अधिकारी पदाधिकारी तो ऐसे जो है वो जो आप लोग मांग कर रहे हैं हो जाएगा पूरा। सारे प्रत्याशी हमारे सहित सभी लोग हट गए और सबके समर्थक भी हट गए, और हम जो है वहाँ से बस थोड़े आगे बढ़े, पैदल वहाँ से निकल के हट रहे थे कि हम क्या करें, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम क्या जाने कि ये उच्च अधिकारी जिला से आ रहे हैं, हमारी व्यवस्था ठीक करने के लिए आ रहे हैं कि हमारी व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए आ रहे हैं, हमारे शरीर को अंग भंग करने के लिए आ रहे हैं। हमें तो ये पता नहीं था, हमको तो बहुत खुशी था कि आएंगे तो कुछ जो सही न्याय है वो मिलेगा, लेकिन अन्याय हमारे ही ऊपर बरसेगा आज का दिन, ये हमको पता नहीं था। अब हम क्या किए कि ऐसी विश्वास के साथ अब हम कहे कि चलते हैं कहीं बैठते हैं। तब तक एक मोटरसाइकिल से 2 लोग थे, वो लोग वहाँ से गुजरे और रोकते हुए हमको बोले कि तुम्हारी व्यवस्था हम लोग आज लगे हुए हैं, ऐसा करा देंगे कि फिर दोबारा चुनाव लड़ने के लायक नहीं रहोगे, सोचोगे नहीं। ये कौन लोग थे? वो लोग साइकिल पे जो लोग थे, हम अब हम किसी से डर के मारे नहीं कहे कि अभी तो हम हैं,
ऐसा कुछ करते बोलते हैं तो चुपचाप हम ऐसे भी किसी आज तक अपने कार्यकाल में पहले भी गाली गलौज एक झापड़ किसी को नहीं दे यहाँ अपने से, तो ऐसा हमारे पास वो संस्कार भी नहीं है कि उनको कुछ बोलूं। और दहशत डर भी है कि वैसे लोग हैं। ये दो लोग जो थे उसको पहचानते हैं आप? खूब भली भांति पहचान रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे मैं कुछ नहीं बोला और इतना बोल करके और उसके बाद कह रहे हैं कि जान भी जा सकती है, तू चकपक मत करो नहीं तो जान भी चली जाएगी, हम लोग व्यवस्था बना दिए हैं। तो हाँ, तो हम किसी से अपने घर परिवार या किसी को मैं बताया नहीं था, नहीं बताया, क्योंकि बताते हैं तो कहीं हो सकता है कि धीरे धीरे फैलेगा, तो दस अंदर में डर था कि कहीं सही में हमारी दुर्व्यवस्था ये कर दे, भी हो सकता था मार या कुछ भी हो सकता था। तो हम कहे कि नहीं, वैसे भी हम शांत प्रिय आदमी हैं। तो हम जा करके एक मनन चौधरी हैं उनके दरवाजे पे बांस का चचरा, समझते हैं ना चचरा था, नहीं मनन चौधरी के दरवाजे पे वहाँ चचरे पर, जबकि 150 मीटर दूर था वो बूथ से। तो हम कहे कि यहाँ कोई बात नहीं है, घर परिवार को उनके लोग थे, तो वहाँ पे जाके मैं लेट गया। लेटने के बाद जो है आधा एक घंटा लगभग बीता होगा, और तब तक हम देखे कि इधर से बूथ के तरफ से पूरब दिशा के तरफ रोड पर पब्लिक कुछ भाग रही है, पूरब के तरफ जनता, और कुछ प्रत्याशी भाग रहे हैं। तो हम कहे कि लग रहा है पुलिस से कोई बात है, दौड़ा रही होगी कोई। तो देखे कि पीछे से पुलिस लाठी चलाते हुए जा रही है, तो भी हम अब उठ के नहीं बैठ रहे हैं कि हम कहें कि जा रहे हैं, लोग कुछ गलती किए होंगे तो पीछे कर रही हैं। तो हम नहीं वहाँ से उठ के भागे, हम भी चाहे होते तो भागते, लेकिन हम मैं नहीं भागा कि हम कोई गलती नहीं किए हैं, तो हमको तो अचानक पुलिस आ करके मारने नहीं लगेगी, तो इस विश्वास के साथ हम रहे। तब तक एक मिनट दो मिनट के पल में ही जो है कम से कम 15-20 की संख्या में कोई दरोगा, पुलिस इंस्पेक्टर, तमाम लोग आ गए, थाना प्रभारी, और चारों तरफ से जैसे कि कोई पहले से प्लान है कि ये व्यक्ति सोया है यहाँ, इसको ही मारना है, और वैसे मतलब निर्दयता पूर्वक बेरहमी के साथ लाठी एक संगे दर्जनों लाठी गिर रही थी। हम हतप्रभ हो गए, चिल्ला रहे थे, कोई वहाँ रोकने छुड़ाने वाला नहीं था, जो दो तीन लोग चार लोग हमारे पास वहाँ थे वो भी अपना दाएं बाएं हो गए, उन पर कोई अटैक नहीं हुआ। वो साथ में भी दो चार लोग वहाँ थे, मतलब हमारे जाने पहचाने लोग थे, लेकिन उन पर कुछ नहीं हुआ। फिर किसी तरह मैं वहाँ से अपना चचरा से उठते हुए संभालते हुए अपने को, एक चरपाई था, बूढ़ी माँ बैठी थी, तो उनके छाया में हम सोचे कि बूढ़ी माँ है तो इनके को बचाएँगे सब, तो वहाँ पर मैं जाके एक चरपाई पर लेटा है कि यहाँ जान बचेगी, लेकिन वहाँ भी चारपाई पर चौकी पर चढ़ के किसी तरह से मारने में वहाँ दिक्कत हो रहा था, छोटी ऊंचाई की वो है पलानी था मड़ई था, तब भी वहाँ हुरा से भी इधर चारों तरफ किसी तरह अपना बचाते बचाते इतना मार दिए कि बोलने के लायक उस समय में नहीं था। उसके बाद थाना प्रभारी साहब से हम कहे, अभिषेक कुमार जी से, कि साहब मेरे साथ मैं क्या गलत किया हूँ कि ये दुर्व्यवहार हो रहा है। वो भी गाली गलौज देते हुए वो भी वही हैं कि मारो मारो। उसके बाद एक ये जिला योजना पदाधिकारी, ये तो उसका वीडियो भी वायरल हुआ, हम आज देखे हैं, अभी आज ही मौका लगा देखने, तो उसमें ये भी कह रहे हैं कि वहाँ हमारे सामने बोल भी रहे थे, वो सांवले से हैं, छोटे कद के हैं, शायद राजीव कुमार नाम है, आप लोग जानते होंगे, तो हम वो नाम नहीं जानते थे, कोई बता रहा था कि योजना पदाधिकारी का नाम है, और वही वो जो है जल्द मारो मारो और मारो वो भी कह रहे थे, इंस्पेक्टर साहब का भी वही रवैया था। तो कहीं ना कहीं हमको ये अब लगा कि ये जान बच गई है वही बहुत है, और आगे अब डर था कि कहीं कोई अनहोनी बाद में ना हो। उस समय मारपीट के बाद से क्या आपको गिरफ्तार कर लिया गया? उसी समय हमको क्या कुर्ता है उसको ऐसे खींच करके, हम कह रहे थे कि अब क्या करेंगे, हम क्या गलती किए हैं, हम जिस काम के लिए आए थे वो तो काम हुआ नहीं, वो दोषी हम ही हो गए, हम ही को मार पड़ी, तो कुर्ता खींच के फाड़ दिए लोग। उसके बाद हमको ले जा करके और बैठाए
एक वो जहाँ बूथ है वहाँ पे टंकी है लैट्रिन का, उसी पर बैठने में दिक्कत हो रहा था, मैं लेट गया। लेट गया तो फिर उधर से कुछ लोग पुलिस के ही आए, वो कह रहा है क्यों लेटा है इसको, बैठा उठा के, तो फिर खींच के हमको बैठाया गया। फिर एक पदाधिकारी आए तो वो कह रहे हैं कि इसको नीचे बैठाओ, नीचे घुस। हम कहेंगे घास पर बैठने के लायक हम नहीं हैं, घास पर लेटेंगे तो नहीं, लेटना नहीं है। तो फिर उधर स्कूल के फर्श पर जा कर के, उस फर्श से थोड़ा नीचे है ज़मीन, तो हम कहें यहाँ बैठ लेंगे, तो वहाँ बैठे। उसके बाद ये हमारे SDPO साहब आए और CO साहब आए, ये लोग भी पूछ नहीं रहे कि किस दशा मेरी कंडीशन, पिटाई क्या हुई है, इसके बारे में कोई बात नहीं किया। मैं कुछ कहना चाहा तब तक SDPO साहब लोगों से पूछ रहे हैं कि मार खाया कि नहीं खाया, तो लोग बता रहे हैं कि, और हमारा पूछे नाम क्या है, तो हम नाम बताए अनूप मिश्रा। तो गांव कहाँ है, तो हम कहे महुअल महाल, तो गाली देने लगे। हमको लग रहा है कि मेरा नाम और गांव उनको कोई बताया है, जैसे नाम गांव पूछने के बाद गाली देने लगे। कहीं ना कहीं मेरे क्लोज मतलब कहीं कोई होगा विरोधी या किसी से जुड़े हुए या लोकल के रहने वाले होंगे, ऐसा लगा जिस तरह से पूछ के गाली देने लगे। अब कहाँ के हैं क्या है हमको तो पता नहीं है। और उसके बाद और इसको मारने के और मारना चाहिए, और इसको मारो ज़रूर तुम लोग, इसके बाद फिर मारो, हाँ गाली देते हुए बोले। तो हम हाथ जोड़ के कहे साहब हम क्या गलती किए हैं, पहले जानिए सच्चाई, उसके बाद मारिए या मुआ डालिए, हमको तो लग ही रहा है कि आज मर जाएंगे। चलिए अब ये बताइए हमको कि वहाँ से आपकी गिरफ्तारी कर ली गई और फिर यहाँ सिवान लाया गया? नहीं, वहाँ के बाद हम करा रहे थे कि हमको दवा की ज़रूरत है, तो एक घंटा वहाँ जो है बैठाया गया, डेढ़ घंटा बैठाया गया। उसके बाद भी लगभग हमको वहाँ से 4 बजे या 3:30, अब टाइम तो हमारा मोबाइल वहाँ ले लिया गया, तो मोबाइल टाइम भी घड़ी नहीं पहनते हैं, तो मोबाइल नहीं था, अंदाज लेके अंदाज बता रहे हैं कि 3:30 या 4 बजे लगभग हमको वहाँ से। SP साहब भी आए, वो भी अभद्री व्यवहार किया हमारे साथ, वो भी। SP साहब से आपकी बात हुई? जी, हम कहे साहब हम कोई गलती नहीं किए हैं, तो भी हमको जिस तरह से कि सारे लोग एकजुट होके प्लान बना के आए थे कि ये काम कर देना है, अंजाम देना है, इसको मार डालना है, भगवान कहीं लग रहा है हम गलत नहीं हैं तो बचाए हैं, सब लोगों का एक तरफा एक मुश्त एक ही चाह था कि हमको मार देना है। आगे इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कारण हो सकता है कि विरोधी गुट के लोग में भी राजनीतिक लोग हैं, नेता हैं, कहीं ना कहीं वो लोग ऐसा कुछ मैनेज थाने से ले करके और जिला तक जरूर किए हैं। अगर सच्चाई की हम मांग करते हैं कि इसकी सही निष्पक्ष जांच किसी एजेंसी से करा दिया जाए, तो आने वाला समय में हमारे ही साथ न किसी के साथ जिलावासियों को कोई दिक्कत न होगी, कोई फंसेगा नहीं बिना किसी जुल्म के। लेकिन वर्तमान में आप मुखिया हैं? वर्तमान मुखिया, इसके पहले आप थे? जी जी, अब वहाँ से अभी प्रत्याशी भी हैं? जी, मुखिया प्रत्याशी भी हूँ। वहाँ से हमको फिर 4 बजे के बाद ले जाया गया, तो हम कहे कि हमारा इलाज करा दीजिए, कहते कहते लास्ट में जलालपुर में रोका गया गाड़ी। वहाँ उतरे तो हम चाहे कि इलाज कायदे से हमारी हो, क्योंकि बहुत दिक्कत था हमको, लेकिन इलाज के नाम पर एक पर्ची और उसके बाद वो एक दर्द की दवा 2 गोली और एक इंजेक्शन, और उसके बाद जो है वहाँ से हमको फिर थाने ले जा कर के हाजत में बंद कर दिया गया। और अभी अंधेरा होने के पल मतलब 5-5 बजे के लगभग, और उसके बाद हम रात में तड़पते रहे, कहते रह गए कि हमको ये परेशानी है, 2 बार उल्टी हुआ, लेकिन कोई सुनने वाला वहाँ नहीं था, न किसी से मिलने दिया। आपके परिवार के लोग आपसे मिलने नहीं पहुँचे? मिलने पहुँचे तो वहाँ से भी गाली दे के भगाया दौड़ाया जाता था, ये सब अपराधी हैं सब, मतलब जो भी बर्ताव हुआ है ये लग रहा था कि बिना प्लान का हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ आपको सदर अस्पताल कब लाया गया? सदर अस्पताल कल
दिन में वहाँ से हमारी मतलब चलान, हमारे चलान जेल के लिए, तो वहाँ तो आएंगे तो हाकिम जो है उनके पास पहले जाना होता है, तो नहीं मिले। फिर जो साथ में आए थे हरिशंकर राय दरोगा, उनसे कहे कि साहब हमको जो है पहले इलाज ज़रूरी है, ये कर लीजिए, उसके बाद वो काम हो जाएगा, तब तो जेल हमको जाना है, जाएंगे तो कस्टडी में हम भैया हैं। तो वहाँ से फिर वो खैर बात समझे, तो इलाज हम कुछ कराए, उसमें जांच उस था, जांच भी कराए, सारा करा करके एक्सरे, ये सीटी स्कैन वगैरह हुआ, इसके बाद जो भी दवा था वो मिला। उसके बाद हम शाम हो गया तो साहब कोर्ट में नहीं थे, उनके आवास पे हमको ले गया गया। वहाँ गए तो सब अपना देखे पूछे, हम बताए वैसे वैसे, वो जो है फिर वहाँ से अपना उनको जो पेपर वगैरह का जो करना था वो किए। फिर वहाँ से हम लोग गए जेल गेट पे, जेल गेट पर हम लोगों से पर्चा इलाज वगैरह का सब मांगा किया। तो वहाँ पे लोग क्या किए, चार मुलजिम और भी थे दूसरे गांव के, मेरे ही में भी कुछ शायद बवाल हुआ था, अब पता ना वहाँ क्या क्या था, वो चार लोग चले गए अंदर। हमको वहाँ से रिटर्न करके जिला अस्पताल के लिए कि नहीं आप इलाज करवाइए, उसके बाद आइए, तब हम लोग अंदर जाने देंगे। तो फिर हम रात में यहाँ पर फिर आए, तो रात से हमारा यहाँ इलाज चल रहा है। सीएस साहब आए थे तो सीएस साहब बोले हैं कि आपकी इलाज जब तक आप ठीक नहीं होते हैं तब तक आपको यहीं रहना है, इलाज करवाना है, तो हम यहीं अपना इलाज करवा रहे हैं। ये बताइए कि आज आपकी काउंटिंग चल रही है, काउंटिंग आपकी चल रही है? जी जी। तो क्या अभी रिजल्ट आया कुछ आपका, आप जीते या हारे? मेरा पंचायत का काउंटिंग होने में कुछ विलम्ब है, अभी लोग बता रहे हैं, कोई कोई आ रहा है पंचायत से तो कह रहा है यहाँ का हो गया वहाँ का हो गया, तो हमारा सीरियल में लास्ट ही पंचायत के एक पहले जो है हमारा होगा, तो जो लोग हैं वो बताएंगे, जैसा होगा सही होगा। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है जिस चीज़ के लिए आपको इस तरह से छपमारी ज़्यादा अगर हुई होगी? सब पुरवा में छपमारी कितना हुई है इसका कोई लिमिट तो है नहीं, कोई वहाँ पे यंत्र लगा नहीं था कि देखा जाए कि कितना गलत हुआ है। गलत अगर ज़्यादा हुआ होगा तो हम चुनाव हारेंगे, अगर कम गलत हुआ होगा तो भी चुनाव हम जीत जाएंगे इस पोजीशन में। अगर हार गए तब आगे क्या सोचा है? हम समाज के लिए बराबर नहीं, मुखिया रहने के पहले भी हम काम करते रहे हैं, मुखिया जब रहे हैं तो भी काम किए हैं, आगे समाज के लिए काम करते रहेंगे जब तक शरीर में जान रहेगा तब तक। मैं केवल ऐसा नहीं हूँ कि बस केवल अपने मुखिया बनने के लिए जनता से जुड़ा हुआ हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों का जो षड्यंत्र है तो भगवान हमको उम्मीद है कि ऐसा नहीं होने देंगे कि हम हारेंगे, हमको अभी भी लगता है कि हम चुनाव जीत जाएंगे। आपने देखा कि अनूप मिश्रा से अभी हमारी बातचीत हो रही थी, इनकी हालत नाजुक है और जितने चोट दिखाई दिया है कैमरे के सामने वो है, उस चोट को देखने के बाद ऐसा लगता है कि पुलिस बिल्कुल अपना आपा खो चुकी थी। पुलिस को इतना इस स्टेज पे जाने का ये अधिकार नहीं है, हालांकि हम अधिकार बताने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर उनको लग रहा था कि अनूप मिश्रा वोट वहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो इनकी गिरफ्तारी हो सकती थी, इन्हें जेल, इन्हें कस्टडी में किया जा सकता था, लेकिन जिस तरीके से इन्हें बुरी तरीके से पीटा गया है, इनके शरीर फैटी शरीर है, इनके साथ कुछ भी हो सकता है, हार्ट पे भी असर पड़ सकता है, लेकिन अभी अनूप जी क्या डॉक्टर ने क्या बोला है, क्या आपकी तबीयत कैसी है? ये सांस लेने में हमको काफ़ी परेशानी है, देख ही रहे ऑक्सीजन चल रहा है, लेवल डाउन हुआ है, सांस जब ले रहे हैं तो चोट भी ऐसा है कि सांस पूरा सांस नहीं ले पा रहे हैं, लेने में लग रहा है कि सीना फट जाएगा,
तो इस नाते ऑक्सीजन क्या कहा है, कुछ बताया है क्या? ऑक्सीजन अभी ट्रीटमेंट जैसे कि चालू है, सी एस साहब आए हैं तो हमको संतुष्टि लायक अभी इलाज हो रहा है। जब ऐसा लगेगा तो यहाँ हॉस्पिटल के जो भी डॉक्टर हैं, कर्मी हैं, वो जैसा बताएंगे, अगर आगे कहेंगे कहीं जाने के लिए रेफर करेंगे तो फिर जाना पड़ेगा तो जाएंगे। चलिए, कुल मिला के जो इलाज चल रहा है सिवान सदर अस्पताल में, अनूप मिश्रा उससे संतुष्ट हैं, उन्हें थोड़ी राहत है, लेकिन जो चोट के निशान हैं वो अपनी कहानी खुद कह रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग उनके लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि आगे वो लोग, पूरी कहानी तो सुन लिया हमने, और ये एक आवेदन भी है जो शायद इनकी पत्नी, अनूप मिश्रा की पत्नी ने जो एसपी हैं उनको लिखा है। क्या पूरा, अब आप बताइए कि आगे क्या चल रहा है ना, इसको छोड़ दीजिए, आप बता दीजिए। अभी जो है यहाँ इलाज चल रहा है, और इस क्रम में हम लोग ये देख रहे हैं कि यदि यहाँ ठीक ठाक हो जाए तो ठीक है, अन्यथा आगे भी ले जाने के लिए हम लोग तैयार हैं, और जो भी प्रशासनिक कार्रवाई हुई है वो इनके विरुद्ध जो हुई है वो गलत है, हम लोगों को यही सूचना मिली है, और मीडिया से जो हम लोग देखे, सुशासन की सरकार है कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है, हम तो कहेंगे कि सुशासन की सरकार। इस तरीके से अगर किसी जनप्रतिनिधि को पीटा जाता है तो आम आदमी का क्या हाल होगा? ये तो हम कहेंगे कि जनतंत्र की इसमें हत्या हुई है। एक मुखिया को यदि इस तरह की प्रताड़ना हुई, लाठियां बरसाई गई, तो आम आदमी की स्वतंत्रता क्या है? हमको तो लगता है कि ये प्रजातांत्रिक प्रणाली में ये एक बहुत ही शर्मनाक घटना है, इसका निंदा कितना ही किया जाए तो कम है। राजतंत्र में भी ऐसा नहीं हुआ करता था, दोषियों को ही दंड दिया जाता था, लेकिन आज निर्दोष व्यक्ति के साथ जो सलूक किया गया है, बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया है, और सुनियोजित साजिश से सारे पदाधिकारी अधिकारी लगे हुए हैं, ये बहुत शर्मनाक है, और इसकी गहन जांच होनी चाहिए, और इसकी आवाज़ सदन तक उठेगी जहां तक हमें विश्वास है। तो अभी जिस तरीके से अनूप मिश्रा की पिटाई हुई है, एक षड्यंत्र के तहत, आपने कहा कि षड्यंत्र के तहत उनको हराने को लेकर के, या जो आज अगर वो आज काउंटिंग चल रहा है, आज अगर वो हार जाते हैं तो जो षड्यंत्रकारी हैं वो तो सफल हो गए जी। यही तो जनतंत्र की हत्या है। जो वास्तविक के जो जीत रहा था, बायोमेट्रिक मेथड का इस्तेमाल करने के बावजूद भी षड्यंत्र के तहत से एक तरफा वोट का वोगर्स वोटिंग किया जा रहा था, तो निश्चित ही ये इनकी यदि हार होती है तो ये जनतंत्र की हार कही जाएगी। जैसा कि ये भी है कि कल चुनाव आयोग अधिकारी के पास ईमेल के माध्यम से सूचना दे दी गई है कि बूथ संख्या 173-174 से पूर्वा बूथ जो है उसको रद्द किया जाए, पुनः चुनाव कराने की तैयारी कराया जाए। ये जो है आवेदन जो है दे दी, इसकी सूचना आप लोगों ने चुनाव जी जी, जी, जी कल ईमेल पर दे दिया गया है। अब क्या उधर से आदेश चुनाव अधिकारी की आता है, अब हम लोग उसी का ना पालन करेंगे। आपको क्या लगता है कि अनूप जी को न्याय मिलेगा इस सरकार में या इस व्यवस्था में? मैं सरकार पे उंगली नहीं उठाऊंगा, इस व्यवस्था में देखा जाए। अभी तो कोर्ट सर्वोपरि है, अभी जो भी इनके साथ न्याय हो रहा है ये कोर्ट का देना है। प्रशासनिक सहयोग इनको कदापि नहीं मिला है। 24 घंटे तक जिसको दो सौ लाठियों से मारपीट किया गया, पीटा गया, लाठियां बरसाई गई, और एक थाना में कस्टडी के तहत 24 घंटे तक लगभग रखा गया, और उसके बाद इलाज के लिए हम लोग यहाँ आए, तो मानकर चला जाए कि बर्बरतापूर्ण यदि कार्रवाई होती नहीं हुई होती तो इनको तो जो है वहीं पर भी दवा इलाज कराया जाता था, लेकिन जो है एक थाने में कस्टडी में रख करके, और इसके पहले दो सौ लाठियाँ बरसाई गई, मीडिया वाकिफ है, तो ये तो बर्बरतापूर्ण प्रशासन की रवैया है। इसमें कहाँ लगता है कि प्रशासन से न्याय मिलेगा, कोर्ट पर एक भरोसा है। अनूप जी ने कहा कि इसके पीछे बड़े बड़े लोग हैं जी, बड़े बड़े राजनीतिक लोग हैं, कौन कौन लोग देखेंगे? हम तो ये कहेंगे कि बड़े बड़े लोग हैं या कि जो है प्रशासन की अपनी तानाशाही नीति है। अब रही कि कहीं ना कहीं वो लोग किसी से मिली भगत हो करके उनके षड्यंत्र में आ करके किसी न मेल मिलाप, किसी न किसी तरह से मेल मिलाप में आ करके ही ना इनके साथ ऐसी कार्रवाई हुई है। सभी का सभी पदाधिकारी इनके साथ गाली गलौज करते रहे, मारपीट करते रहे, तो ये तो लगता है कि ये तो एक बहुत बड़ी षड्यंत्र है। मेरा नाम कौशलेश तिवारी हुआ, मैं पूर्व में मुखिया जलालपुर पंचायत का था, और इसी तरह की लगभग घटना मेरे साथ भी हुई, मैं भी जेल गया था,
उसी तरह से हमारे बूथ पर जो है छापामारी चल रही थी, और वाकिफ है कि मैं जीतने वाला कैंडिडेट था और मैं चुनाव हारा ड्यू टू प्रशासनिक जो है अनुचित कार्रवाई की वजह से। आप अनूप जी के कौन? हम अनूप जी के जो है जीजा लगेंगे। अनूप जी के रिश्तेदार हैं और इनका कहना है कि कल जो घटना घटी है उसकी पूरी सूचना चुनाव आयोग को भेज दी गई है। अब चुनाव आयोग देखना है कि चुनाव आयोग इस पर क्या संज्ञान लेता है। लेकिन हम अनूप मिश्रा की बात करें कि जिस परिस्थिति में अनूप मिश्रा आज दिखाई दे रहे हैं, ये वाकई पूरी नीतीश कुमार की सुशासन पे और पूरे सिस्टम पे ये एक बदनुमा दाग है। ऐसा नहीं होना चाहिए था।